नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बहुत ही कमाल के डेकोरेशन लाइट बनाए। इसको हमने कैसे बनाया, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज करी, इसके पूरे डिटेल मैंने वीडियो में बता दिया। तो चलिए दोस्तों वीडियो के अंदर चलते हैं और बनाते हैं। दोस्तों यहाँ मैंने कुछ RGB LED बल्ब ले लिए। दोस्तों आप जितनी बड़ी लाइट बनाना चाहे आप उतने LED बल्ब ले सकते हो। मैं यहाँ पर 20 LED बल्ब लूँगा। उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ रेड एंड ब्लैक वायर ले लिए। उसके बाद में दोस्तों हम रेड कलर की वायर के कुछ छोटे छोटे टुकड़े करके कट करके निकाल लेंगे। डायमेंशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर बल्ब को थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके कट कर लेंगे। उसके बाद हम दोस्तों बल्ब के ऊपर सोल्डिंग करके दोस्तों यहाँ पर 5 स्लिप के छोटे छोटे टुकड़े करके उसके ऊपर अच्छे चढ़ा देंगे। दोस्तों इसके कनेक्शन हम यहाँ पर सीरीज में रखेंगे। सीरीज में कनेक्शन करके दोस्तों इन सभी लाइटों के ऊपर दोस्तों हम अच्छे से 5 स्लिप की कवर को चढ़ा देंगे। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसकी पूरी लाइट को अच्छे से बना लिया। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जो सबसे एंड वाला वायर बल्ब था उसके अंदर से एक ब्लैक कलर की वायर को कनेक्ट करके उसको दोस्तों रोल करते हुए दोस्तों फ्रंट तक लेकर आ जाएँ। ये देखिए दोस्तों हमारे यहाँ पर एक छोटी सी झालर लाइट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंदर में कुछ फंक्शन और ऐड करेंगे। तो चलिए दोस्तों डेकोरेशन लाइट को और भी मज़ेदार बनाते हैं। उसको मज़ेदार बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर देखिए छोटी छोटी सी बॉल ले लिए। दोस्तों ये काफ़ी छोटे साइज़ की बॉल है। हमने यहाँ पर 2 कलर में ले लिए दोस्तों, एक पिंक एक येलो। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर जो लाइट बनाई थी उसको हम ले लेंगे। उसका जो दोस्तों सबसे एंड वाला बल्ब था उसके बाद में दोस्तों इस बॉल को के अंदर एक छोटा सा होल करके कुछ इस प्रकार से दोस्तों बल्ब के अंदर लगाते हुए चले जाएंगे। होल करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर इजीली सोल्डिंग मशीन को गर्म करके उससे होल कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर इसके अंदर में होल कर दिया। उसके बाद में दोस्तों जो हमारी लाइट है उसको कुछ इस प्रकार से इसके अंदर फंसा कर दोस्तों इसको ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका कर दोस्तों कवर करके इसको चिपका देंगे। चिपकाने के बाद में दोस्तों ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हम इसकी झालर को पूरा कम्प्लीट करते हुए चलेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर कलर कॉम्बिनेशन के द्वारा दोस्तों हम यहाँ पर बॉल को लगा देंगे। पहले पिंक और दूसरी येलो, फिर दोबारा पिंक। ये देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर पूरी लाइट को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में दोस्तों इसको सर्किट बनाएंगे। इसको चलाने के लिए सर्किट बनाना दोस्तों काफ़ी ईजी है। उसके बाद में इसका सर्किट बनाते हैं। सर्किट बनाने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर 4 डायोड ले लिए, 4007। इसका दोस्तों हमने यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लिया। ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया है 10 UF 250 वोल्ट का। उसको भी दोस्तों हमने यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर के साथ में कनेक्शन कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक PF लेंगे। PF हमने यहाँ पर 250 वोल्ट 474J का यूज़ किया है। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर 1 MΩ का एक रजिस्ट्रेशन लेकर दोस्तों उसको भी हमने PF के साथ में लगा दिया है। स्क्रीन पर जैसा दिखाया गया दोस्तों हमने इसके कनेक्शन सभी कर दिया। उसके बाद में दोस्तों इसमें लाइट को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में दोस्तों हमने जो कैपेसिटर लगाया उसके पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ में दोस्तों हमने यहाँ पर जो लाइट बनाई है उसके कनेक्शन कर देंगे। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक AC केबल लेंगे। AC केबल के भी कनेक्शन कर देंगे दोस्तों सर्किट के साथ में। कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमने यहाँ पर दोनों केबल के कनेक्शन कर देने। आप AC केबल का कोई से पॉइंट कहीं पे भी लगा सकते हैं दोस्तों, दोनों सेम होते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर एक छोटी सी डब्बी लेकर पूरे सर्किट को इस डब्बे के अंदर में बंद करके दोस्तों अच्छे से कवर करके टेप वगैरह से चिपका देंगे। आप चाहे तो दोस्तों यहाँ पर ग्लू गन से भी अच्छे से इस सर्किट को चिपका सकते हो। ये देखिए दोस्तों हमारी डेकोरेशन लाइट बनकर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए दोस्तों इसके एक बार टेस्टिंग कर लेते हैं। टेस्टिंग करने के लिए दोस्तों हमने यहाँ पर AC बोर्ड ले लिया है। उसके साथ में दोस्तों हमने यहाँ पर डाला लाइट को थोड़ा सा टेबल पर रख दिया है। उसके बाद में दोस्तों जो इसकी AC पिन थी इसको दोस्तों हम यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद में देखिए दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर स्विच ऑन करें आप देख सकते हैं हमारी लाइट जो है वो काफ़ी अच्छे से ग्लो करेगी। ये देखिए दोस्तों हमारी लाइट जो है वो काफ़ी शानदार से ग्लो करे दोस्तों, काफ़ी प्यारी लाइट लग रही है। आप भी दोस्तों इसको ईजिली घर पर बना सकते हो काफ़ी कम खर्चे में। ये देखो दोस्तों काफ़ी शानदार से लाइट बनकर कंप्लीट हुई। चलिए दोस्तों इसको अच्छे और भी अच्छे से डेकोरेट करके दिखाते हैं आपको। ये देखो दोस्तों बहुत ही शानदार से लाइट लग रही है दोस्तों। इसके अंदर जो हमने बॉल लगाई है उससे भी दोस्तों काफ़ी ग्लो कर रही है। तो दोस्तों आप भी जल्दी इसी तरह की लाइट को अपने घर पर भी बनाकर डेकोरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं ऐसी मज़ेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।